क्योंकि फिजा इधर देखा मजा आया भाइयों से। सबसे पहले आई हैं जी गरम गरम हलवा पूरी बच्चों के लिए। चलो खैर निकलते हैं यार, हमें पास ही जाना है, देखनी है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और जिसने अभी तक आसस फैमिली को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बन जाइए आसस फैमिली के मेंबर। और कैसे हैं जी आप सब लोग? आज जी फाइनली हम जा रहे हैं जी अपनी खाला के घर, और सुबह सुबह का टाइम है और बाहर मौसम इतना औसम हो चुका हुआ है कि दोबारा सर्दी आ गई ऐसा लग रहा है। तो अब जो है हम रेडी हो गए, दोनों चाचा बेटा ठीक है और बाकी भी सारे घर में रेडी हो रहे हैं। मैं आपको सामने दिखाता हूँ कि सामने कौन रेडी हो रहा है, बहुत ही स्पेशल बच्चा रेडी हो रहा है सामने, ये देखिए। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है जी आप सबका? इसके बाल दिखाएं जरा, एक इसके स्टाइल हेयर स्टाइल दिखाएं, पीछे देखो ये देखें मेरी बेटी का इतना प्यारा जूड़ा बना है। और ये देखें यहाँ पर रेडी हो चुकी हैं ये दोनों, तो निकले यार इकरा फिर बाकी सब सबसे मिलवाते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है, हमारी पूरी फैमिली जा रहा मिलवाए ना। हाँ बिल्कुल, आहिस्ता से सबसे मिलवाते, जैसे जैसे सबको कोई बाहर आता जाएगा सबसे मिलवाते जाएंगे। और ये तो हमने बताया नहीं हम जा क्यों रहे हैं वहाँ पे, उन्होंने किया है जी हमारा बहुत ही स्पेशल वाला ब्रेकफास्ट, इसलिए हम सुबह सुबह निकल रहे हैं वहाँ पे, सारा दिन वहाँ पे टाइम स्पेंड करेंगे। तो बहुत टाइम से कह रही थी आओ आओ, रमजान थे, रमजान में भी क्या कहती थी इफ्तारी कर लो फिर ईद पर आ जाना, लेकिन ना ईद पर टाइम मिला ना ही हमें रमजान में टाइम मिला। हमने कहा हम ईद के बाद आएंगे जब हम हमें होगा कि अब हम रिलैक्स हो गए। बिल्कुल, तो चले मामा भी रेडी हो जाए, बाकी भाभी भी रेडी हो जाए, किंजा भी रेडी, फिर आपसे मिलवाते हैं जी सबको। यहाँ पे हम सबसे पहले रेडी होके इधर बैठ चुके हैं, क्यों सुल्तान वेट कर रहे हैं मामा का। यहाँ पर जी ये भी तीनों रेडी हो चुकी हैं। तो चले हम कहाँ जा रहे हैं? अपनी खाला की तरफ, ब्रेकफास्ट पर, स्पेशल वाला ब्रेकफास्ट मेरी बहन ने हमारे लिए ऑर्गेनाइज किया हुआ है और हम जा रहे हैं स्पेशल ब्रेकफास्ट पे। हाँ, और सुबह सुबह निकल रहे हैं, सुबह सुबह सब उठे हैं सुबह। वैसे भी आज संडे है, संडे को सब देर उठते हैं, लेकिन आज सबको सुबह सुबह उठा दिया, चलो हम चले तो निकले फिर निकले चलो यहाँ से निकलते हैं। अब आपको सीधा हम वहां जाके मिलते हैं। सुबह तो यार बहुत ही जबरदस्त मौसम था और अब आंखें नहीं खुल रही है, इतनी तेज धूप निकल आई है। लेकिन हवा बहुत अच्छी चल रही है, कहाँ है आपको? म्याओ म्याओ यार, वही मैं कह रहा हूँ यार, इतने बादल हुए वैसे धूप निकल आई है, हवा अच्छी चल रही है, लेकिन वो वाला मौसम होता ज्यादा मजा आना था। हाँ बहुत जबरदस्त मौसम था। चलो खैर निकलते हैं यार, हमने पास ही जाना, इतनी दूर नहीं है शुक्र है, पास ही जाना। चलो जी हम निकलते हैं फिर आगे से, मैंने वहां से फिर निकल जाना है अपनी मॉल की तरफ। A few inches later. Hello. ठीक ठाक है, ईद मुबारक है। तो अब ब्रेकफास्ट लगता है यहाँ पर, फिर आपको दिखाते हैं कि हमारी खाला ने क्या क्या बनाया हमारे लिए और क्या क्या चीजें स्पेशल मंगवाई है, यहाँ की जो फेमस चीजें हैं ना वो मंगवाई है यहाँ की। तो चले हम जैसे ही ब्रेकफास्ट लगता है फिर आपको दिखाते हैं। यहाँ पर सबसे पहले आई हैं जी गरम गरम हलवा पूरी बच्चों के लिए, और यहाँ पर सबसे पहले हलवा पूरी खाते हैं, साथ चिकन टिक्की खाते हैं, उसके बाद जो स्पेशल जो बना रही है खाला वो भी थोड़ा सा टाइम है पकने में, तो जैसे ही वो पक के आता फिर सारे हम बैठ के यहाँ पे खाएंगे। अभी फाइनली जी आ गया है खाना, और खाने में क्या बनाया है खाला से पूछते हैं। खाला बताएं जी, दिखाएं बल्कि, नेहारी बनाई है, ये देखें जी जबरदस्त नली ने हरी, मगल ने हरी के मछली ने हरी, मछली ने हरी बनाई है जी। चले जी अब यहाँ पर सब बैठ चुके हैं, फिश वाली नहीं दूसरी बहुत वाली मछली की नेहारी बनाई है। तो चले अब बैठते हैं यहाँ पे, क्योंकि मेरे पास भी टाइम कम है, मैंने भी निकलना, बस खाते हैं और निकलते हैं फिर। चले जी चले जी यहाँ पर अब स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट बाइट लेते हैं कैसी बनाई है जी खाला ने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ओहो गर्मा गर्म, इसको
वो न्यू कपल छुप के बैठा हुआ है। चलो माशाल्लाह से सब खा रहे हैं। अच्छा जी, बड़े मजे का नाश्ता था। नाश्ता करके ऐसी नींद आई, ऐसी नींद आई कि उसके बाद हम उठे नहीं। अब उठ रहे शाम को 5 बजे और उठते ही सबसे पहले फिजा ने लगाई है मुझे मेहंदी। बहुत ही प्यारी इसने मेहंदी लगाई है। आज ईद हो गई फिजा, तुमने मुझे मेहंदी लगाई है। और अब है कि स्नैक्स टाइम, क्योंकि चाय बहुत ज्यादा जरूरी है अभी इस टाइम पर हमें और होश मिलाने के लिए। लेकिन फिजा ने बोला कि भाभी चाय के साथ साथ मैंने कुछ चीजें भी बनाई हुई है। तो फिजा से पूछ ली, फिजा क्या क्या चीजें बनाई हुई है भाई? मैंने बनाई है स्पेशलीज, आलू चने और कस्टर्ड। ओके, तो निकाल लिया जाए ताकि हम उसको नीचे लेके जाए और नोश फरमाए। चलो भाई देखते हैं जी। हाँ, खाला ने तो बाबा सजाई हुई यहाँ पर ट्रेस। ये रहा जी कस्टर्ड। वाओ, कस्टर्ड भाभी के लिए। और ये मैंने स्पेशल भाभी के लिए आलू चने बनाया, क्योंकि मुझे पता है ये ना आलू पसंद नहीं करती। थैंक यू। अच्छा, ये चने आपके लिए है, प्याज और चने, और हमारे लिए दूसरे हैं आलू चने, है ना। और ये मैकरोनी किसके लिए है? आहद भाई नहीं है, इसका कैप खोलना जरा। ये आगे जी मैकरोनी किंजा के लिए। चलो जी ये भी रखे, ये भी खाते हैं, गरम करते हैं हम। और क्या जी, ये क्या है? ग्रीन ग्रीन, ये है जेली। अच्छा जेली हमने कट करना है अभी। अच्छा जेली अभी ढीली है, ढाली हो जाएगी, इसको ऊपर रखते हैं 5 मिनट के लिए। नहीं ये बिल्कुल ठीक है। अच्छा ठीक है, चलो जी चलो चलो यार रेडी करो सारा। हालांकि इन्होंने बनाया रमजान में, लेकिन मुझे पसंद नहीं आए थे। मैं क्या फिजा जैसे आलू चने नहीं कोई बना सकता। और ये है, और ये है लबे शीरी। अच्छा ये स्पेशलिटी है, और ये है स्पेशलिटी पिज़्ज़ा के लिए बनी है स्पेशल। अच्छा किंजा आपने पहले क्या खाना? स्पेगेटी। अच्छा उसने तो आलू चने खाने है ना आलू चने, आलू भटूरे। चले आप मामा साथ खाएंगे आलू की बोरी। आलू की बोरी हमारे घर। अच्छा पहले क्या खाएं? पहले थोड़ी सी ना फिजा ने पहले स्पैगेटी थोड़ी सी ना चेक करते हैं। वो है मायोनीज, दूसरी चीज अभी खाती हूँ, अभी खाती हूँ। कमाल की स्पैगेटी बनी है, बहुत मजे की बनी है। जिसके लिए बनी है उससे पूछो। अपनी बेटी को सिखा रही हूँ कि कैसा बना है। लबे शीरी फिजा ने माशाल्लाह हर चीज बहुत ही टेस्टी बनाई है। कस्टर्ड भी, कस्टर्ड का नाम क्यों था? लबे शीरी। और वो स्पेगेटी और आलू चने, क्यों बाबड़ भी हर चीज का मजा आया। इतनी देना बनता है यार, अपनी बहन को इतनी देना बनता है हमारा। चलो दे दो यार, इतनी ईदी चाहिए। सौ का नोट दे दो यार। हमेशा खुश रहो। ये फिजा आहद भाई की तरफ से, और ये मेरी तरफ से। थैंक यू।
दो दफा देना हद की तरफ से ईदी लेने का मजा आया भाइयों से? बहुत मजा आया। तो चलो जी ईदी तो हमने मेरे बच्चों यानी कि भाइयों ने फिजा को ईदी तो दे दिया गर्मा गर्म कीमे वाले नान खाने से थोड़ा सा हटके ये मेन्यू और बहुत ही मजे के लजीज नान लग रहे हैं। अब इसे खाते हैं तो फिर देखते हैं कैसे हैं। ये स्वीट डिश रख ये मेरी बहन को। अच्छा जी ये आपकी तरफ से। अच्छा जी तो बड़ा जबरदस्त एक बेटी को पकड़। अब मैं आगे नहीं आ सकती। आगे आगे आ जाओ दूसरी बेटी को आ जाए आ जाओ और ये सबसे छोटी को और इसको कपड़े देने थे मैंने इसको मैंने रोजो में कपड़े दे दिए। हाँ बोल दो बोल दो कोई बात नहीं। हाँ नहीं नहीं हाँ नहीं नहीं चलें जी अब खाना खाएं यार है खाना ठंडी हो जाएंगे जल्दी अल्लाह तेरा शुक्र है मेरे परवरदिगार बहुत मजा आया खाने का जो कुछ भी हमने खाया पूरे दिन में इस गर्मी से या अल्लाह इनकी कमाई में मेरे बच्चों की कमाई में बरकत डाली और इन्हें वफर रिजक अता करी मेरे परवरदिगार आमीन सुम्मा आमीन। अच्छा जी खाना हम खा चुके हैं बहुत मजा आया पूरा दिन अपनी बहन के घर में हमने स्पेंड किया यहाँ तक के बच्चे आके सब सो गए हुए थे और खाने पीने का भी बहुत मजा आया। थैंक यू सो मच खाला मोहसिन एंड आतिफ और एंड फिजा सबका बहुत बहुत शुक्रिया इतने अच्छे खाने बनाने के लिए। आज तो हमारे पास ऐसा था जैसे हम सबके पास एक एक चिराग है ऐसे सोने से उठने तक तो चीज लगी होती थी सो के उठ रहे थे और आगे चीजें पड़ी होती थी कि उठ के खा लो उठा लो सारे उठाओ उठा के खिलाया तो बहुत मजा आया बहुत ही थैंक यू जी थैंक यू सो मच थैंक यू बहुत मजा आया हमें। तो अगर आपको हमारा ये आज का गेट टुगेदर अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें शेयर करें और आसफ फैमिली को सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही हमारी वीडियो का होता है एंड अल्लाह हाफिज़।